हेलो एवरीवन, आज फिर हम देखने वाले हैं कुछ यूनिक सीड्स जो कि बनाएगी आपके गेम प्ले को शानदार। तो बिना किसी तरीके करते हैं हम शुरुआत, सो लेट्स गो। ये रही पहली सीड। हम स्पॉन होते हैं एक रुइन पोर्टल के सामने। खास बात ये नहीं है कि यहाँ पे समंदर है या फिर यहाँ पे एक ये पोर्टल है। खास बात ये है कि यहाँ पर जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगी एंशिएंट सिटी और वो भी माइनशाफ्ट के साथ। यहाँ पे माइनशाफ्ट भी निकली और एंशिएंट सिटी भी निकली है, यही इसमें खास और इसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। तो चलते हैं आज की दूसरी सीड की तरफ। ये रही आज की दूसरी सीड। हम एक जंगल बायोम के अंदर स्पॉन हुए हैं यहाँ पर, और हम आए हैं एक वाटर वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पानी पानी भरा है, ये जो समुद्र है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। खत्म आपको यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा, खत्म कहाँ होगा ये मुझे खुद ही नहीं पता। बस जाते जाओ अपना महल यहाँ पर भी बनाते जाओ। तो चलते हैं आज की तीसरी सीट की तरफ, और अब हम जाने वाले हैं द लोनली आइलैंड में अकेले रहने। तो हम स्पॉन हो चुके हैं इस आइलैंड पे, और यहाँ पर एक है स्क्वायर शेप का आइलैंड जो कि बिल्कुल अकेला। ये रहा वो आइलैंड। तो क्या आप इस सीट पे आना चाहोगे, कमेंट जरूर करना। तो अब हम देखने वाले हैं बेडरॉक एडिशन की कुछ सीट्स, और वो भी बहुत ज्यादा खास और यूनिक है। पहली सीट ये रही जो काफी छोटी है। हम स्पॉन हुए सवाना बायोम में, और सामने आपको मिल जाएगा एक विलेज एंड यहाँ पर है बेडलैंड्स, बट ये यहाँ पर खास नहीं है, खास यहाँ की और कोई सी चीज। और दो विलेज और मेरे सामने, खास ये पूरी जगह जो कि है बहुत सारे आइलैंड में बटी। यहाँ पर देखोगे तो सैंड ही सैंड है इधर, यहाँ पे बेडलैंड्स। सामने की तरफ आपको अलग अलग बायोम दिख जाएगी, एक रूइन पोर्टल, तीन चार विलेज तो ऐसे ही मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आउटपोस्ट भी है जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है आपस में। इसमें पूरी सीडी खास है बहुत ज्यादा। एंड आप इसको यूज करो कि नहीं, कमेंट जरूर करना। आई होप आप सभी को आज की कुछ सीड्स पसंद आई होगी। एंड या अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना इस वीडियो को। हम मिलते हैं एक और से ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।